नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे चिकन वाइट कोरमा। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: चिकन 1 किलो, दही 1 पाव, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, प्याज 1 पाव, भीगे हुए बादाम और काजू 15 से 20 अदद, नमक 2 टीस्पून, पिसी हुई दखनी मिर्च 1.5 से 2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, बड़ी इलायची 4 अदद, साबुत लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 8 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, रोस्टेड धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, रोस्टेड जीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, लीमू 1 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई और 4 से 5 अदद साबुत। तरकीब: सबसे पहले लीमू के रस में 1 टीस्पून नमक शामिल करें और इस मिक्सचर में धुली हुई चिकन को मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे तक रख दें। प्याज को छीलकर उबाल लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। एक पॉट में दही को अच्छे से फेंट लें और इसमें भुना पिसा जीरा, भुना पिसा धनिया और दखनी मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक पतीली लें, उसमें ऑयल गरम करें, इसमें साबुत गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और 1 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। अब इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करें और 2 से 3 मिनट तक इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करें। अब इसमें चिकन शामिल करें और मीडियम आंच पर इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनें। जब तेल और चिकन अलग अलग हो जाए तो इसमें दही शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर आंच धीमी कर दें और हरी मिर्च डालकर ढकना बंद कर दें और 10 मिनट तक इसे पकने दें। जब चिकन गल जाए तो इसमें काजू और बादाम का पेस्ट बनाकर शामिल करें और 5 मिनट तक ढकना ढककर मजीद पकने दें। इस मौके पर आप ग्रेवी का गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लें। अब आप चूल्हा बंद कर दें और आखिर में फेंटी हुई क्रीम, 1 टीस्पून नमक और साबुत हरी मिर्चें छिड़कें और सर्व करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।